वही दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिनों की ईडी के रिमांड पर हैं। इस दौरान आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में पिछले 2 वर्षों से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इन 2 सालों में एक सवाल बार बार सामने आया है कि मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ गया। आपके किसी भी नेता मंत्री या कार्यकर्ता के पास से अपराध की कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कोर कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरत चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरत चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरत चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई। और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है?